डॉक्टर दिवस के अवसर पर चांदानी नगरपालिका एवं एक्सिस हेल्थ केयर सर्विसेज के संयुक्त तत्वाधान में गुरुवार शाम श्रीरामपुर के सांसद कल्याण बनर्जी, राज्य के मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य और चांदानी नगरपालिका के प्रशासक सुरेश मिश्रा के द्वारा फीता काटकर चांदानी के पलताघाट इलाके में स्पर्श अस्पताल का अनुष्ठानिक उद्घाटन हो गया। हालांकि सुरेश मिश्रा ने बताया कि इस अस्पताल को सुचारू रूप से शुरू होने में और 15 दिनों का समय लगेगा। सुरेश मिश्रा ने बताया कि लंबे समय से इलाके में एक अच्छे अस्पताल की बड़ी मांग थी। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस चांदानी का स्पर्श अस्पताल लोगों के इस मांग को पूरा करेगा। चांदानी नगर पालिका के प्रशासक ने दावा किया कि इस अस्पताल में बहुत ही सामान्य शुल्क पर गरीब अपना इलाज करवा सकेंगे। अस्पताल में ICU, कोविड वार्ड, पैथोलॉजी इत्यादि सब कुछ होगा। चांदानी नगर पालिका इस अस्पताल पर किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं कमाएगी। नगर पालिका का लाभांश मरीजों के बिल में से घटा दिया जाएगा। दोस्तों, आप तमाम लोग ये जानते हैं, जो आज ये हॉस्पिटल का जो बिल्डिंग हम लोगों का है, इसे नया रूप दिया गया है और पूरी तरह से ये जो बिल्डिंग है लोगों के लिए खोला जाएगा ठीक आज से 14 से 15 दिन के बाद। आज इस उद्घाटन का जो मेन हम लोगों का उपदेश है वो ये है, हम तमाम लोग जानते हैं कि आज एक ऐसे शख्सियत का जन्मदिन और नित्य दिन जो है एक ही तारीख जो पड़ता है, डॉक्टर विधान चंद्र राय का, उनको याद करते हुए हम लोग आज का ये कार्यक्रम रखे हैं। ये जो हॉस्पिटल है दोस्तों, ये इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। काफी दिनों से हम लोग प्रयास कर रहे थे कि चांदानी में एक ऐसा हॉस्पिटल बने जहां पर तमाम रकम की सुविधाएं जो हैं लोगों को मिल सके। 2005 में जब पहली बार हम प्रधान बने, उसके बाद से हमने यह प्रयास किया कि जो बिल्डिंग हम लोग के पीछे जो बना हुआ है मातृ सदन, यह 20 बेड का मातृ सदन था, लेकिन जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं यहां पर नहीं थी। उसके बाद से ही हम लोगों ने प्रयास करना शुरू कर दिया था कि कैसे इसे नया रूप दिया जाए। उसके बाद करीबन 2008 या 9 की बात है ये। State is well equipped to deal with third Delta strain. State is always equipped with all the machineries that are required to deal with such cases. So you do not bother. Children vaccine, how state is taking preventive measures? Children's vaccine has to be given by the central government. What is the dose to be given to the children, that has to be told by the central government. They haven't yet given any indication to that effect. Today, last question. Today, Prime Minister said that we have developed 7 AIIMS all over the in country, including West Bengal. And he is telling he'll arrange vaccine for all, every citizen for the country. What is your response? First of all, I would like to know that he has stated 75% of the total manufactured vaccines will be given to the respective states and 25% to the public private sector. So I would like to know what is the number 100% denotes. This is what we like to know, because otherwise we won't be able to actually calculate what is 75% and what is 25%.